नमस्कार स्टूडेंट, मैं डीके मिश्रा, आप सभी का अपने एजुकेशन चैनल इविल मैथ्स में स्वागत है। हम लोग कंपटीशन एग्ज़ाम में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको सॉल्व करने के लिए लाइव हुए हैं। तो हम लोग 3-4 लेक्चर्स हो भी चुके हैं जिसमें से आपके मिसलिनियस क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं। मिसलिनियस क्वेश्चन का सेंस क्या, जो भी आपके एग्ज़ाम में एसएससी में एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस पेट के क्वेश्चन हुआ, यूपीपी के हुए, यूपीएसआई के हुए, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सभी प्रकार के क्वेश्चन को एक साथ मिक्स करके सॉल्व करा रहे हैं। तो कोशिश यही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हो सके हम आप लोग को प्रोवाइड करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का सटीक सॉल्यूशन और एक हर क्वेश्चन के साथ 2, 3, 4 जितने भी पॉसिबल मेथड्स हो सकें उनको आप तक प्रोवाइड करें। ठीक है, तो हम लोग का टारगेट यहाँ पे यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कई मेथड से, मल्टीपल मेथड से सॉल्व करें। जो भी मेथड आपको उसमें से अच्छा लगता है, जो आपको अडाप्टेबल है, जो आपको सुटेबल समझ में आता है, आप उसको अडाप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। कल आज की डेट का, शायद कल की डेट का कोई भी लेक्चर्स आपको मिल नहीं पाया, थोड़ा सा हेल्थ इशू की वजह से, गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से, जुकाम की वजह से लेक्चर्स आपको नहीं मिल पाए। बट कोशिश यही रहेगी कि आपको सारे लेक्चर्स कंटिन्यू मिलते रहेंगे। क्लियर है? चलिए फिर अपनी स्क्रीन पे देखिए। स्क्रीन पे आपके पहला क्वेश्चन शो हो रहा है, जो आज का पहला क्वेश्चन है। आज का भी ज़्यादा बड़ा लेक्चर्स नहीं रहेगा, छोटा ही लेक्चर, 10 to 12 क्वेश्चन का ही लेक्चर रहेगा। रीज़न क्या है कि हेल्थ अभी भी उतना क्लियर नहीं है, आपको फेस से दिखाई ही दे रहा होगा। फिर भी कंटिन्यूटी ना ब्रेक हो, थोड़ा सा मेडिसिन की हेल्प से हम क्या करेंगे, आगे प्रोसीड करने का प्रयास करेंगे। तो आज ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, आधे घंटे का क्लास रहेगा, आधे घंटे 20-30 मिनट जितना भी हो सकता है, जितना मैक्सिमम ले जा सकते हैं वहाँ तक आपको पढ़ाएंगे। जब लगेगा थोड़ा सा इशू क्रिएट हो रहा है तो उसके बाद वाइंड अप करेंगे, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। कोशिश करेंगे अगला लेक्चर आपका कंटिन्यू पूरा प्रॉपर टाइम का हो। ओके, चलिए फिर अपने स्क्रीन के क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। स्क्रीन का जो क्वेश्चन है आपका एसएससी सीएचएसएल 2014 का क्वेश्चन है। 2014 में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, 1 मिनट। थोड़ा सा पेन की सेटिंग डन कर देते हैं भाई। अगला आपका, चलिए भाई, आपको कलर दिखाई दे रहा होगा। चलिए भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है। चलो क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, श्री यक्ष अपने वेतन का 35% भोजन पर और अपने वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते। जो श्री है अपने वेतन का 35%, अपने वेतन का कितना, 35% भोजन पर और अपने वेतन का 5% बच्चों पर, मतलब क्या हुआ, 35% वेतन पर खर्च किया, 35% वेतन पर, 35% वेतन पर, और 5% कहाँ खर्च कर दिया उन्होंने, अपने बच्चों पर, बच्चों की शिक्षा पर, बच्चों पर बातें की हुई। जनवरी 2011 में उसने इन दोनों मदों पर 17,600 रुपये खर्च किए। उसने कितना खर्च कर दिया, 17,600 रुपये खर्च कर दिए इन दोनों मदों को मिला के, मतलब कितना, 40% रुपया उसने खर्च किया। कितना परसेंट खर्च किया, 40% खर्च किया, और 40% के एवज में उसने कितना खर्च किया है, 40% बराबर उसने 17,600 रुपए खर्च कर दिए। कितना खर्च कर दिए, 17,600 रुपए खर्च कर दिए। हमसे पूछा जा रहा है उस महीने में उसका वेतन कितना था, तो सिंपल सी बात है, हमको क्या चाहिए, 100% चाहिए, 100% पूछा जा रहा है हमसे, तो यहां से निकाल लेते हैं 1%। 1% कितना हो जाएगा, 17,600 बटे कितना हो जाएगा, 40। 40 से एक जीरो से जीरो कट गया, 4 चौके 16, 4 चौके 16 मतलब कितना, 440, कितना हो गया, 440, 1% बराबर, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 440 गुणे आपका कितना हो जाएगा, 100।
बराबर आपको कितना मिलेगा? 4400, मतलब कितना हो गया? 44,000 रुपये आपका हो गया। कितना हो गया? 44,000 रुपये। तो 44,000 रुपये जो है, यही आपका क्या हो जाएगा, टोटल अमाउंट हो जाएगा, जो कि उसको लास्ट मंथ का वेतन था या उस महीने का वेतन था। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन आपका सही हो गया? बी ऑप्शन आपका सही हो गया। डन, समझ में आया? अच्छे से देखो, इससे इजी तरीका और कोई नहीं हो सकता इसको सॉल्व करने का। और भी देखो भाई, आपकी न्यू जनरेशन है, नया माइंड है, हम भी बहुत पुराने नहीं हो गए, बट क्या है कि जैसे अपने थॉट्स अलग अलग होते हैं, तो मेरे हिसाब से इससे आसान, इतना इससे जल्दी और भी सॉल्व करने का कोई वे नहीं है। बट अगर आपको कोई वे मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम से कम रहता है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमको अटेंड करने रहते हैं, तो जो भी आपके लॉजिक होते हैं उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति अपनी आय का 1/4, कितना? 1/4 अपनी आय का 1/4 भाग और 2/3 भाग, 1/4 भाग किसपे? खाने पर। 2/3 भाग घर के किराए पर। 1/4 भाग किसपे खर्च कर देता है? खाने पर खर्च कर देता है, और 2/3 भाग किराए पर खर्च कर देता है। अब सोचो टोटल, देखो टोटल अगर उसकी आय की बात करें, टोटल आय 1 है, टोटल आय कितनी है? 1 है। 1 का 1/4 क्या कर दे रहा है? खाने पर खर्च कर दे रहा है। और उसी का 2/3 भाग क्या कर दे रहा है उसने? वो घर के किराए में। तो मतलब टोटल उसने कितना खर्च कर दिया? 3 एकम 3, और यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 11/12। मतलब टोटल आय का 11/12 हिस्सा जो क्या कर दिया उसने? खर्च कर दिया। तो टोटल आय क्या हमारे पास? 1 थी। 1 में से 11/12 निकाल दो, 1 में से 11/12 निकाल दो, कितना हो जाएगा? 1/12। तो मतलब उसने जो बचा उसके पास कितना बचा? 1/12 बचा। उसके बाद बचत कितनी हुई? अभी 1/12 की। आगे क्वेश्चन पर ध्यान दो, शेष जो कि 603 है, उसके पास बचता कितना रुपए है? 603 रुपए। मतलब 603 रुपए बच रहा है किसका? 603 रुपए किसका बच रहा है? 630 रुपए, 630 उसको दूसरी वस्तु पर खर्च करता है। जो 630 बच रहा है वो क्या करता है? दूसरी वस्तु पर खर्च कर देता है। अब देखो, 1/12 हिस्सा ही तो बचा था, क्योंकि 1 उसके पास टोटल हिस्सा था। 1 में से 1/4 उसने क्या कर दिया? खाने पे खर्च कर दिया। 2/3 उसने किराए पर खर्च कर दिया। टोटल खर्च उसने 1 का 11 बटा हिस्सा कर दिया। 1 का क्या कर दिया? 11 बटे हिस्सा कर दिया। अब ध्यान दो, उसके पास शेष कितना बच रहा है? 630 रुपए बच रहा है। उसके पास कितने बच रहे हैं? 630। अगर 11/12 को हमने निकाल दिया, 11/12 को निकाल, 1/12 बचा। 1/12 रियलिटी में क्या है? 630, 630 है। तो अगर हमको निकालना है कि उसका कुल खर्च कितना, उसके घर का किराया क्या था। अब देखो, कुल खर्च किराया कई चीजें यहाँ पे, तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, ध्यान से समझो, हमको क्या चाहिए यहाँ पे? उसके घर का किराया क्या था? तो पहले तो उस व्यक्ति की आमदनी निकालो। मान लेते हैं उसकी आमदनी यक्स थी ना, मान लेते हैं उसकी आमदनी क्या थी? यक्स थी। यक्स का 1/12 जो है वो 630 के बराबर। 1/12 किसके बराबर है? 630 के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ? यक्स बराबर कितना हो गया? 630, है ना? 630 गुणे कितना बन जाएगा आपका? 12, 17 लिख दिया। 12 कितना हो जाएगा? 12, 12 36, 12 5 60, 12 6 72, और 72 3 75, मतलब क्या हो गया? 7,560 हो गया। तो यक्स की वैल्यू कितनी हो गई? यक्स बराबर 7,560 मिल गया आपको। देखो, एक कुछ इमेज आपके फोटो के पीछे हो जा रही है, बट मैंने नीचे लिख दिया है, ध्यान दीजिएगा। तो 7,560 हो गया। 7,560 किसकी वैल्यू मिल गई? यक्स की वैल्यू मिल गई। जब यक्स की वैल्यू आपको कितनी मिल गई? यक्स बराबर, यक्स बराबर 7,560 रुपये। एक्स की वैल्यू 7,560 हो गई। अब हमसे क्या पूछा? किराया पूछा गया। किराया कितना था? 2/3 था। तो सिंपल सी बात है, 7,560 का 2/3 निकाल लो, तो कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 3
पचे 15, 3 दूनी 6, मतलब 2550 है ना, 2520 है, 2520 × 2 बराबर कितना हो गया, 5040, कितना हो गया 5040। कोई ऑप्शन है 5040 का इसमें? पहला ही ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका? पहला ही ऑप्शन सही हो गया। ये आपका सीजीएल एग्जाम 1999 में आया था, 1999 में, जो कि बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हुआ, 5040 रुपए जो है यही उसका क्या है टोटल किराया, किराया तो पूछा गया, और कुछ पूछा गया, किराया ही पूछा गया। डन, समझ में आई बात है? चल अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तंजीम ने अपने वेतन का 1/5 अपने दोस्तों पर खर्च कर दिया। किस पे खर्च कर दिया? अपने दोस्तों पर। कितना खर्च किया? 1/5 उसने अपने दोस्तों पर खर्च कर दिया। आवास पर 1/10 खर्च कर दिया, ठीक है, आवास पर 1/10 खर्च कर दिया, और वेतन का 1/4 बचत लगा दिया। वेतन का कितना लगा दिया? 1/4 बचत लगा दिया, ठीक है, वेतन का 1/4 उसने बचत लगा दिया। अगर 1800 उसने अपने बटुए में छोड़ दिए, मतलब 1800 रुपए उसके बाद भी उसके पास बच जा रहे हैं, तो पहले तो इनको निकाल लो कितना उसने कुल खर्च कर दिया। तो 5, 10 और 4 का एलसीएम निकालोगे कितना आएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 4, 2 धन कितना, 5, 5, 4, 9, 2, 11, 11/ कितना हो गया, 20, कितना हो गया, 11/20। तो टोटल क्या था, एक अमाउंट था, 1 में से 11/20 निकाल दो कितना हो जाएगा, 9/20, कितना बन गया, 9/20। तो मतलब उसके पास जो बचत राशि हो रही क्या हो रही है, 9/20 हो रही है। बचत राशि क्या हो रही है, 9/20 एक्स का मतलब जो उसके पास इनकम है उसका 9/20वां हिस्सा उसके पास बच रहा है। तो सिंपल सी बात है, हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, यक्स का 9/20 बराबर कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। यक्स का 9/20 बराबर 1800 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब यहां से अगर यक्स को आप फाइंड करते हो तो कितना हो जाएगा, 20 को इधर मल्टीप्लाई करोगे, 1836, 9 से भाग लगा दो, लगभग क्या हो, 4000 हो जाएगा। 4000 आएगा कि नहीं आएगा, 4000 आ जाएगा। 9/20 × x बराबर कितना, सॉरी, 9/20 × x बराबर 1800, 1800 उसको सॉल्व करोगे 4000 हो जाएगा, क्योंकि इधर से मल्टीप्लाई होगा, 18 × 36, 36000, 9 × 4, 36, 4000 हो जाएगा। तो यक्स की वैल्यू हमको क्या मिल गई, यहाँ पे 4000 मिल गई। यक्स की वैल्यू क्या मिल गई, 4000 मिल गई। अब बात आती है कि हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया है कि उसने आवास और बचत पर कुल कितना व्यय किया, किस पे, आवास और बचत पर कुल कितना खर्च किया। आवास के बारे में पूछ रहा है और बचत के बारे में पूछ रहा है, टोटल कितना खर्च किया। तो आवास उसका क्या था, आवास ध्यान दो, आवास उसका 1/5 अपने दोस्तों पर खर्च किया, 1/10 उसने क्या वेतन पर खर्च कर दिया, और 1/4 बचत लगा दिया। अब बात होती है कि उसने आवास और बचत पर कितना कितना खर्च किया। तो आवास उसका कितना है, ध्यान से समझो, आवास पर 1/10 खर्च कर दिया है, बचत में उसने कितना डाले, 1/4 डाले, मतलब 1/10 और 1/4, तो 1/10 धन 1/4 बराबर कितना हो गया भाई, 10, 1/10 और 1/4, और किसका, जो उसकी पूरी इनकम थी, यक्स उसकी जो क्या थी, पूरी इनकम थी। तो पूरी इनकम कितनी थी, 4000 थी, तो 4000 का, 4000 का 1/10 धन 1/4 निकाल लेना है। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 4000 × कितना बनेगा, 10 और 4 का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 मतलब क्या, 2 और कितना 5, मतलब 7/20, 7/20, 20 × 40, 200 यहाँ बचेगा, ये खत्म हो जाएगा, 2 × 7 = 14 ना, 1400 रुपए कितना उसने दिया, आवास और बचत में उसने कुल कितना खर्च कर दिया, 1400 रुपए खर्च कर दिया। कौन सा ऑप्शन हो गया, बी वाला ऑप्शन हो गया, और सीएचएसएल 2018 में पूछा गया, कब पूछा गया, सीएचएसएल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, और टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत आराम का, एकदम इजी का क्वेश्चन है। डन, क्लियर है, आगे बढ़े, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? देखो भाई, जिसको भी कोई इशू हो, जिसको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हो, वो नॉर्मली आपको लिंक में भी
आपको डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाते हैं, आपके चैनल्स के लिंक है, आपके जितने भी प्रोसेस हैं आपके, जैसे आप 9696726252 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ अपनी क्वेरी को रख सकते हो। आप अपने चैनल के ही नाम से, इबिल मैथ्स के नाम से ही, इबिल मैथ्स के नाम से आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, आपका व्हाट्सएप चैनल है और टेलीग्राम चैनल है, सोशल मीडिया के फेसबुक अकाउंट्स हैं, चाहे जहां भी आप यहां सोशल मीडिया के थ्रू या डायरेक्ट कांटेक्ट करके, अगर व्हाट्सएप पर डायरेक्ट करना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, आप अपने क्वेश्चंस को, अपने क्वेरी को वहां पर पुट अप कर सकते हैं। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी शहर की आबादी कितना है? 3,52,800। कितना है? 3,52,800। यदि इसकी आबादी 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद आबादी कितनी होगी? देखो ये क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब आपके पास तरीके अलग हो सकते हैं, जैसे अगर आपको एक चीज बताएं, ये सिंपल सी बात है, 3,52,800 लोग हैं, यदि इसकी आबादी 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद आबादी कितनी हो जाएगी? तो सिंपल सिंपल सा लॉजिक है ये। अगर आप लोगों ने एसआई और सीआई पढ़ रखा है, एसआई सीआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज अगर पढ़ रखा है, तो सिंपल सा वही फॉर्मूला अप्लाई होना है। आपका आरआरसी 2014 में पूछा गया है और इसमें कौन सा अपने, वही सिंपल सा आप अपना पुराना मेथड अप्लाई कर दो जो आप सीआई में अप्लाई करते हो, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1+R/100 की पावर एन, ना उसको अप्लाई कर सकते हो। लिख देते हैं हम ए इज इक्वल टू पी इंटू 1+R/100 की पावर एन या टी, जो जैसे समझता हो, तो इसको भी अप्लाई करके आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। नहीं तो सिंपल सा आप क्या करोगे, देखो क्या करेंगे, मान लेते हैं कि हम कितना कितना था, 3,52,800 लोग हैं, हर साल क्या कितने हो रहे हैं, 5% बढ़ रहे हैं, कितने परसेंट, 5%, मतलब इसका 5% अगर निकालेंगे तो 105/100 हो जाएगा। फिर से इस दो साल बढ़ रहे हैं, मतलब फिर से 105/100 हो जाएगा, यही हो गया, सिंप्लीफाई कर लो, 2 जीरो इसके, 2 जीरो इसको, खत्म हो गया। अब 5 से इसको काट दो, 5 से इसको का 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और 20/25 हो गया। फिर से 5 से काट दो, 5 एकम 5, ये 5 चौके 20 हो गया। 4 से कटेगा ये, बिल्कुल कट जाएगा, 4 4 कितना, 4 32 है ना, 3 4 32, 4 2 8 कितना हो गया, 8 8 2 * 21 * 21, इसको आप मल्टीप्लाई करो 21 21 में, 441, 882, मतलब टोटल हो जाएगा 388962, 388962, मतलब 3,88,962, कितना हो जाएगी, 388962। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, डी वाला ऑप्शन हो गया, कौन सा ऑप्शन आपका हो गया, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। कुछ नहीं किया मैंने, ये पहले आपको, पहले ये मेथड पता है, पहले हम पीछे के क्वेश्चंस में आपको अप्लाई करके दिखा चुके हैं। अगर आप थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहते हैं, अभी जैसे मैंने बताया कि आपको क्या कर लेना है कि आप अप्लाई कर लो ए इज इक्वल टू पी इंटू 1+R/100 का, ठीक है, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1+R/100 का सॉल्व कर लो, तब भी आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। चलिए सॉल्व करके दिखा देते हैं हम, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1+R/100, देखिए ए इज इक्वल टू पी इंटू 1+R/100 की पावर एन। अभी देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा बड़ा होता है, कितना कितना था, 3 लाख कितना था भाई, 3 लाख, क्वेश्चन देखना पड़ेगा, 3,52,800 शायद था, 3,52,800 बोले 1+R कितना है, 5% है, पावर टू। देखो वही चीज सॉल्व करना है यहाँ पर, 3,52,800 * इसको चाहे सिंप्लीफाई कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 20, मतलब 21/20 * 21/20, यही है ना। अब 2 जीरो इनका काट दिया, 2 जीरो काट दिया, 2 दूना 4, 4 से इसको भी डिवाइड, 4 8 32 ना, 4 8 32, 4 8 32, 4 2 8, ठीक है, कट गया। फिर से वही सेम कंडीशन, कितना आपका जो ऑप्शन में आपका आया था, ठीक, फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 3, कितना आया था, 3,88,962,
3,88,962 हो जाएगा, 3,88,962 इससे भी आएगा। अच्छा हाँ, एक तरीका और आपको थोड़ा सा सॉल्व करने का बता सकते हैं कि उससे भी आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो सकता है। देखो कैसे हो सकता है, हमको क्या करना है, हमारे पास कंडीशन क्या है कि 5% कितना बढ़ रहा है, 5% 2 साल के लिए बढ़ रहा है। आपको एक फार्मूला हमने बताया था, यक्स प्लस वाई प्लस माइनस था यहाँ पे, प्लस माइनस यक्स वाई अपॉन 100। अब ये परसेंटेज परिवर्तन कितना होता है इसके बारे में फार्मूला था। आपको क्या 5-5% 2 बार चेंज होना बढ़ना है, तो क्या करना, 25/100 कर देना है। बराबर कितना हो गया, 5 5 10 धन 25 चौका 100, 1/4 मतलब 0.25, मतलब 10.25% हो गया। तो कुछ नहीं, जो आपका मेन अमाउंट था कितना था, 3 लाख समथिंग, कितना था, 3,52,800, 3,52,800 का क्या निकाल लो, 10.25/100 निकाल लो। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका फिर से वही क्या हो जाएगा, 3,88,962 से 3,88,962 हो जाएगा आपका, यही आपका जवाब हो जाएगा। इस मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो, आपको 10.25% निकालने पड़ेंगे उसके। ठीक है, बात समझ में। अब इसका 10.2% का सेंस का मतलब ये यहीं पे डायरेक्टली यही इतना नहीं आएगा, इसको आपको अगर पूरा सॉल्व करना तो 100 ऐसे करना पड़ेगा, 110.25 अपॉन 100 अपॉन 100 ये निकालना पड़ेगा। क्लियर है, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको फिर से वही कंडीशन मिल जाएगी, इस मेथड से भी आपको सॉल्व करने को मिल जाएगा। डन है। और भी अगर आप तरीका जानना चाहो, देखो एक और बता देते हैं आपको, एक तरीका और आपको बता दे सॉल्व करने का। इसको क्या करना है, जैसे देखो कितना परसेंट बदलना है, 5% बदलने हैं। कितने परसेंट बदलने हैं, 5% पॉजिटिव बदलना है। 5% का मतलब क्या होता है, 5/100, यही तो होगा, मतलब 1/20, 1/20 हो गया। किसमें, पॉजिटिव में, 1/20 क्या हो गया, पॉजिटिव में आ गया। अब ध्यान से समझो, कितने साल के, जो नीचे होता है क्या होता है, मूल होता है, जो ऊपर होता है वो परिवर्तन होता है। तो बेसिकली 20 × 20 ये मूल है, ये मूल हो गया आपका। परिवर्तन के बाद क्या होगा, 21 × 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 441, 441 हो गया। दोनों का डिफरेंस कितना है, 41 का, दोनों का डिफरेंस कितना है, 41 का, दोनों का डिफरेंस कितना है, 41 का। बहरहाल हमको इस 41 यूनिट से अभी कोई मतलब नहीं है, अभी हमको इस 41 यूनिट से कोई मतलब नहीं है। हमको क्या, 400 यूनिट का मान कितना दिया, देखो जो 20 20 ये मूल है, तो 400 यूनिट का मान हमको दिया गया है 3,52,800, 3,52,800, 400 यूनिट का मान हमको इतना दिया गया। तो अगर हम 441 यूनिट की बात करें तो क्या होगा, 3,52,800/400 × कितना, 441 हो जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा, सिर्फ वो फिर से वही 3,88,962। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं आप, दैट मीन्स 5% आपको दिया है तो 5% का हमने भिन्न में बदल लिया। भिन्न का जो हर होता है वही हमारा मूल होता है, और जो अंश होता है वो परिवर्तन होता है। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव तरफ देखेंगे, निगेटिव होगा तो निगेटिव तरफ देखेंगे। तो मूल की बात अगर करें, 400 यूनिट, 400 यूनिट में 400 यूनिट का मान हमको दिया गया 3,52,800, 400 यूनिट का मान हमको दिया गया है 3,52,800। अब ध्यान दो, 3,52,800 की कंडीशन में, और दूसरा जो चेंज करने के बाद हमारे पास 441 यूनिट हो जाती है, कितना यूनिट हो गया, 441 यूनिट। तो 441 यूनिट जो हमको मिला, तो 441 यूनिट हमको चाहिए था नया वाला, तो क्या करेंगे, 1 यूनिट अगर यहाँ से निकालते तो कितना, 1 यूनिट बराबर 3,52,800/400, 441 यूनिट बराबर उनमें 441 का गुणा, तो आपको कौन सा जवाब मिल गया, 3,88,962। तो आप इन सभी मेथड से, किसी भी मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, आपका जवाब वही होने वाला है। क्लियर है, डन। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आरआरबी 2009 का सवाल है। क्या पूछा गया, किसी नगर की जनसंख्या 5% की दर से बढ़ती, कितने प्रतिशत की दर से बढ़ती है, 5% की दर से बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 1,60,000 है, वर्तमान जनसंख्या कितनी, 1,60,000 है, तो 4 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी। अब देखो 4 वर्ष बाद आपको उसकी जनसंख्या पूछी जा रही है, तो सिंपल सा लॉजिक है भाई, 4 वर्ष बाद हमसे उसकी जनसंख्या पूछी गई, तो
तो चाहे आप इसी से निकालो, जो भी लास्ट वाला फार्मूला निकाला हमने, 5% बराबर 1/20 ना, ये मूल हो गया, तो 20 गुड़े 20 गुड़े 20 गुड़े 20 बराबर कितना, 400 गुड़े 400। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे 21 गुड़े 21 गुड़े 21 गुड़े 21 गुड़े 441 गुड़े 441। देखो इसको हम थोड़ा सा तोड़ के सॉल्व करना है, तो 400 गुड़े 400 बराबर कितना हो गया, इतने यूनिट बराबर कितना हो गया, 1,60,000। ठीक है, अब हमको कितना चाहिए, 441 गुड़े 441 यूनिट का चाहिए था, तो क्या होगा, 1,60,000, 1,60,000 बटे 400 गुड़े 400। ठीक है, गुड़े यहाँ पे 441 गुड़े 441। देखो कुछ चीजें नहीं दिख रही होंगी, ठीक है हम थोड़ा नेक्स्ट पेज पे हो लेते हैं, क्योंकि आपका इमेज के पीछे चला गया होगा, यहाँ लिख देते हैं। तो क्या बन जाएगा आपका, 400 400 गुड़े 400, इसका यूनिट दिया गया 1,60,000, 1,60,000 दिया गया। हमको चाहिए कितना, 441 गुड़े 441 बराबर चाहिए, 441 बराबर 441 बराबर चाहिए, तो इसके बराबर हमको निकालना होगा। तुम क्या करेंगे, तो सिंपल सी बात है, 1,60,000 बटे 400 गुड़े 400, यहाँ पे गुड़े 441 गुड़े 441, यही हो जाएगा। अब ध्यान से समझो इस चीज का, सबको सिंपलीफाई सॉल्व करोगे, देखो ये थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन हो गया, अब थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन होने का सेंस कि बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो गया, है ना। हमको 441, अब एक यूनिट हमको निकालना था, तो एक यूनिट की वैल्यू ध्यान देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 चौके 16, 4 एकम 4, क्या होगा, एक बचा यहाँ पे, 1 गुड़े 441 गुड़े 441, मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा, सिर्फ 441 गुड़े 441 कर लो, और 441 गुड़े 441 मतलब 21 की घात 4 अगर हम निकालते हैं तो 1,944 आता है, क्या आता है, 1,944 आता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, जवाब हो गया। ये तो आपके लास्ट वाले मेथड से सॉल्व करने का था, आप a इज इक्वल टू p इनटू 1 + r/100 भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, या जो हमने सबसे पहले बताया था उससे भी सॉल्व, मतलब तीन चार मेथड हमने आपको बताए, किसी भी मेथड से आपके सॉल्व कर सकते हो। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया भाई, 194481, पहला ही ऑप्शन इसका क्या हो गया, सही हो गया। डन, समझ में आया क्वेश्चन, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सीजीएल 2004 का क्वेश्चन है, कब का, सीजीएल 2004 का क्वेश्चन है, 2 वर्ष पहले किसी कस्बे की जनसंख्या 62,500 थी, क्या बताएगा, 2 वर्ष पहले किसी कस्बे की जो जनसंख्या थी 62,500 थी। बड़े नगरों में जनसंख्या का पलायन होने के कारण जनसंख्या में 4% वार्षिक दर से कमी होती है, कितना, 4% वार्षिक दर से क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जब 4% वार्षिक दर से कमी होती है, तो कस्बे में वर्तमान जनसंख्या क्या है। अब देखो 2 वर्ष पहले कस्बे की जनसंख्या 62,500, देखो ये सिंपल सा ये भी लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान वे में सॉल्व करना, देखो इसको ज्यादा देख के परेशान नहीं होने वाली बात है, सिंपल सा एक ऐसी लाइन बना लो, अगर आपको समझना है सिंपल से एक लाइन खींच लो, ये 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व कितने लोग थे इस जगह पे, 62,500 लोग थे 2 वर्ष पूर्व, कस्बे की जनसंख्या 62,500 थी। अब बोला गया कि बड़े नगरों में लगातार पलायन के कारण जनसंख्या में 4 वर्ष की वार्षिक कमी होती है, तो पहले 1 वर्ष में कुछ कमी आएगी, ठीक है, 4 वर्ष में वार्षिक कमी आती, तो कस्बे में वर्तमान जनसंख्या बताओ, तो दूसरे वर्ष में जो कमी आएगी यहाँ पे मिलेगा, मतलब वर्तमान हो गया, ये क्या हो गया, वर्तमान हो गया। ध्यान से समझिए इस चीज को, वर्तमान में जो हुआ, देखो 4% यहाँ कम हुआ और 4% यहाँ कम हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, 62,500 गुड़े 96 बटे 100 गुड़े 96 बटे 100, बेसिकली ये पहला वाला ही मेथड है, बेसिकली जो अभी क्वेश्चन के पहले हमने बताया, 4 मेथड आपको बताया, बेसिकली पहला वाला ही मेथड, आपको थोड़ा सा समझाने के लिए इस तरह से मैंने छाप दिया, ज्यादा कंफ्यूज होने की दिक्कत नहीं है, ज्यादा कंफ्यूज होना है कि जरूरत भी नहीं है, दिक्कत छोड़ो, जरूरत ही नहीं है कंफ्यूज होने की,
ठीक है, दो जीरो उसको कट गए, 5 से कटेगा, 25 चौका 100, 25 पंचे 25, 25 हो गया, ठीक है। ठीक, उसके बाद 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, कितना, 25, 96, 24, दोनों तीनों का आप गुणा कर डालो, कितना हो जाएगा, लगभग 24, 25, 7, 5,700, 5,760, नहीं, 57,600, कितना बन जाएगा, 57,600 बन जाएगा, टोटल कितना बन गया, 57,600 बन जाएगा, कितना बनेगा, 57,600 बन जाएगा इसको पूरा सॉल्व करने के बाद, ठीक है। अब 57,600 बना, 625 गुणे 96 बटे 100, तो कितना बन गया, 57,600, 57,600 कौन सा ऑप्शन है, पहला वाला ही ऑप्शन है। अब और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे और भी तरीके का सेंस क्या है कि जैसे मैंने आपको परसेंटेज चेंज बताया था, कितना 4% घटा है, -4% है ना, -4%, -4% +16/100%, ठीक है, कितना -8% हो गया, प्लस कितना 1.6, बराबर कितना हो जाएगा, 8 में से 1.6 गया कितना हो गया आपका, देख लो 10 में से 4, 10 में से 4 गया आपका कितना हो गया, 10 में से 6 गया 4 हो गया, दशमलव लग गया, ठीक है। यहाँ पे 7 में से कितना 1 गया, कितना 6, 6.4%, तो 6.4 क्या माइनस में परसेंट आएगा, टोटल परिवर्तन कितना, 6, 6.4% का माइनस परिवर्तन हुआ, तो टोटल आपकी जनसंख्या कितनी थी भाई, 16,000, 16,000 आपकी जनसंख्या थी, 16,000 कुछ और था, 62,500, 62,500 आपकी जनसंख्या थी, 62,500 आपकी जनसंख्या थी, उसमें से 6.4 क्या हो गए, कम हो गए, 6.4 कम होने का मतलब कितना हुआ आपका, हो गया अब भाई ये 93.6/100, इसको सॉल्व कर लोगे फिर से वही कंडीशन आएगी, सेम आंसर आएगा, ठीक है। चाहे ऐसे सॉल्व कर लो, या आपको a इक्वल टू p इनटू वाले पे सॉल्व कर सकते, 2 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं भाई, आपको अभी क्या दे दिया गया, आपको टोटल अमाउंट दे दिया गया, 2 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, तो a इक्वल टू p इनटू 1+r/100 से भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब आपको जितने भी, हमने जितने तरीके आपको बताए, जितने फार्मूले आपको बताए, उनमें से किसी को अप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हो, क्लियर, डन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी जनपद में रहने वाली वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है, कोई जनपद है उसमें रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 64,000 है, ठीक है। शायद क्वेश्चन दिख नहीं रहा है पूरा, 1 मिनट, अब दिख रहा होगा शायद, ठीक अब दिखने लगा क्वेश्चन, ठीक। तो क्या है कि किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी, 64,000 है, यदि वह जनसंख्या 2.2% की वार्षिक दर से बढ़ती है, तो 3 वर्ष बाद वहां रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, SSC CGL 2003 का क्वेश्चन है, अभी इस तरह का क्वेश्चन अभी हम पीछे 1, 2, 3 कराते आ चुके, क्या इस क्वेश्चन को आप नहीं कर सकते हैं? देखिए अगर आप इस तरह से क्वेश्चन, अभी मैंने जो आपको पढ़ाया है एकदम सेम उसी फॉर्मेट में, 4-5 तरीके आपको बता दिए सॉल्व करने का, अगर आपको ये क्वेश्चन भी, इस तरह के क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे इतना बताने के बावजूद, तो समझ लो कि कंडीशन क्या, आपको मैथ को और ही ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। तो आप प्रैक्टिस तो जो कर रहे हैं करें, अच्छी बात है कर रहे हैं, बट इसके साथ साथ आपको बेसिक किताबों की, जो NCERT की और भी जो कंपटीशन की डिस्क्रिप्टिव लेवल पे लिखी गई किताबें, थ्योरी बेस्ड जो किताबें, उनको पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम आपको SW के लिए छोड़ रहे हैं, इसको क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्लियर करेंगे सभी लोग, जितने भी लोग लेक्चर्स को देखेंगे, जितने भी देख रहे होंगे, सभी लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन को सॉल्व करके इसको आपको कमेंट बॉक्स में फॉरवर्ड करना है, डन है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला भी क्वेश्चन कुछ, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, क्या क्वेश्चन बोला गया, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 5% से, दूसरे वर्ष में 6% से, और तीसरे वर्ष में 8% से बढ़ती है। देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई बहुत ज्यादा गणित नहीं लगाना, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना, सिंपल सी बात है, शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,20,204 है, कितना है, 1,20,204,
इसको सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड है, इसको सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड। सबसे पहला वाला मेथड हम अप्लाई करेंगे, वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 1,20,204 है, बराबर कितना कितनी जनसंख्या थी पुरानी नहीं पता, उसका कितना परसेंट पहले बढ़ा, 5%, मतलब 105/100, उसके बाद कितना 6%, 106/100, उसके बाद कितना पड़ा 8%, 108/100, है ना। तो क्या हुआ, यक्स बराबर क्या हो गया, 1,20,204 गुड़े 100 गुड़े 100 गुड़े 100 बटे कितना 105 गुड़े 105 गुड़े 105। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपको जवाब मिल जाएगा। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जवाब मिल जाएगा। SSC CHSL 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। कब पूछा गया था, SSC CHSL 2018 में पूछा गया। वैसे हम इसका आंसर आपको बता दें, बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। कितना, 1,00,000, 2,250, 1,010,000, 1,00,000 जनसंख्या थी, लगातार 3 साल बढ़ते बढ़ते वो क्या हुई, 1,20,204 लोग हो गए। ठीक, अब देखो कैलकुलेशन पे हमने इसको छोड़, ऐसा नहीं कि हम इसको कैलकुलेशन करना नहीं चाह रहे। कैलकुलेशन करने से आपका बेनिफिट क्या है, आपको एक चैप्टर सिंप्लीफिकेशन भी पढ़ना है। आप यहाँ पे दिमाग लगाओ, सिंप्लीफिकेशन के बेस हम इसको कितना फास्ट सॉल्व कर सके, कितना जल्दी अटेम्प्ट कर पाए। रीजन क्या है कि कैलकुलेशन तो आपको हर जगह करनी पड़ेगी, चाहे अगर ए इज इक्वल टू पी इंटू आर बाई 100 लगाओगे तो R1/100 इंटू 1+R2/100 इंटू 1+R3/100 इसको लगाना पड़ेगा, या तो या आप इसको अप्लाई करो, दोनों में से किसी न किसी मेथड को आप अप्लाई करोगे, या फिर परसेंटेज चेंज लगाओगे, परसेंटेज चेंज पे आपकी बड़ा भारी भरकम हो जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स आपको कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, कैलकुलेशन से बच सकते ही नहीं, और कैलकुलेशन से बच नहीं सकते तो कैलकुलेशन तो आपको करना है। कैलकुलेशन भी एक चैप्टर है जो सिंप्लीफिकेशन के नाम से आपको पढ़ना भी है। डन है, ठीक, चले आगे बढ़े। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल क्या है, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या जो है वो 2,60,010 है, सॉरी 2,60,000 नहीं, 26,010 है। कितना है, 26,010 है, उसमें प्रत्येक वर्ष 2% की दर से वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी। अब देखो, दो प्रत्येक वर्ष क्या बोला गया, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या, सिंपल सेम क्वेश्चन है। वर्तमान जनसंख्या कितनी भैया, 26,010, कितना है 26,010, वर्तमान जनसंख्या 26,010 हो गई। अब वर्तमान संख्या अगर 26,010 हो गई तो बोला गया पुरानी जनसंख्या का पुराना लिख दिया एक्स, कितना परसेंट बढ़ रही है, 2%, मतलब 102/100 गुणे 102/100, तो वही पुराना फॉर्मेशन, 26,010 गुणे 100 गुणे 100 बटे कितना 102 गुणे 102। इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो फिर से हम देखो, ये क्वेश्चन कई बार SSC CGL 2017 में, CHSL 2014 में, MTS 2014 में, ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब इस क्वेश्चन को पूछने का सिर्फ एक कारण है, इसमें ऐसा नहीं बहुत बड़ा लॉजिक है, बहुत टफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन कैलकुलेटिव है। सिर्फ क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेटिव है, और कैलकुलेटिव होने की वजह से इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट एंड रिपीट पूछा जा रहा है। अब इसमें इसको आपको फिर से इसी को सॉल्व करना है, इसका ऑप्शन बता दें, ए वाला आंसर आएगा। यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि जब आंसर बता ही दिए तो वही आंसर आना है, आप लोग कॉपी करके पेस्ट कर दोगे, बट उम्मीद है कि सारे लोग कैलकुलेट करके ही लिखोगे, उसको वेरीफाई कर लोगे। हो सकता है हम ही गलत बता रहे हो, या हो सकता है हमारा हमारा ही आंसर गलत आ रहा हो, कुछ तो आप सोच सकते हो ना इसके बारे में। आप खुद कैलकुलेट करोगे आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। डन है, समझ में आ रही बातें। चलिए तो आज बस यही इतना तक पढ़ाते हैं, आगे की चर्चा हम लोग फिर से अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो सभी लोग ध्यान पूर्वक मेहनत करके अच्छे से पढ़ते रहें, उम्मीद सभी से यही है कि सभी लोग मेहनत करके पढ़ेंगे। और अभी एक चीज, एक सूचना और सुनने में आ रहा है कि यूपी पुलिस का एग्जाम फिर से रिकंडक्ट होने वाला है, तो आप लोग जोर शोर पे लग जाइए, मेहनत करते रहिए, और मेहनत इतना जोर शोर, देखो एक बार तो आपका पेपर लीक हो गया, दूसरी बार की कोई गारंटी नहीं लीक होगा कि नहीं लीक होगा, बट सरकार क्या करेगी, सख्ती बरतेगी, सरकार क्या करेगी, सख्ती तो बरतेगी, तय है। अब सख्ती बरतेगी, सख्ती कैसी हो सकती है, पेपर पेपर भी टफ हो सकता है,
हो सकता है शक्ति के लेवल में ओवर शक्ति हो जाए, कौन सा भरोसा भाई, सारा कुछ गवर्नमेंट के हाथ में। तो बहरहाल छात्र एकता बहुत जरूरी है, आप लोगों के प्रयास से, हम लोगों के प्रयास से आप फिर से एग्जाम कंडक्ट हुआ होने को है। तो ठीक है, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ध्यान देते रहिए, अपने मैथ्स के किसी क्वेश्चन को छोड़िए नहीं, अटेम्प्ट करते रहिए लगातार। चलते हैं, आज का लेक्चर ऐसे बाइंड करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।